रोज ही जारी सजाए प्रभु आवन की बाट निहारती, प्रभु आवन की बाट निहारती, वृद्ध
तुम्हारी ही तो रहा देख ली थी मैं, देखो देखो बुढ़ापा आ गया किंतु तुम्हारी आस नहीं छोड़ी सबरी ने। मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए। देवी आप कौन हैं? हमें शीघ्र बताएं। हे भगवान, हे प्रभु, मैं बहुत ही सहाधर औरत हूँ। मेरा नाम सबरी है। बड़े ही नीच हूँ जो मुझे नीच नीच बुलाकर चिल्लाते हैं, और मेरा प्रभु तुष्कार करते हैं। भाई भगवान, आज मेरे यहाँ भाग्य है, वृद्धावस्था में आपने मुझे दर्शन किए। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, पर मैं धन्य हो गई। आगे मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मैं खाना सेवा तो आपके कर नहीं सकती, एक छोटी सी कुटिया है सबरी की। बैठिए और विश्राम। ठहरिए भगवान, ठहरिए भगवान, ठहरिए ठहरिए सकता है। बस थोड़ा से तो मेरे पास है, आपको दे रही। विश्राम कीजिए, आइए 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 भगवान, आइए 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 मेरे देव, आइए आइए भगवान। बैठिए बैठिए भगवान, आप भी बैठिए बैठिए भगवान। आपको अति लगी होगी चंद्रमा में फिरते फिरते, आपको भोजन नहीं मिला होगा। किंतु भगवान चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बेल लाई हूँ। अपने भगवान के लिए बेल लाई हूँ। भगवान वो भी चक चक के फटका खाना फेंक दिया, अगर मीठा खाना था वो आज के लिए लाई हूँ। अभी लाती है भगवान। प्रभु आप थकान बताइए, अभी जाती हूँ मेरे प्रभु के लिए।
अभी लाती हूँ। ये सबरी ले आओ। हाँ तो बस आए हैं पैरों को ले आइए। मैं कोई भी जात पात पर भेदभाव नहीं रखते। हम सब एक ही समाज के हैं। नारी भटकाई नारी थोड़ा फिर तो हिस्सा है ना। आज आज तो मेरा संसार चार उठा है। मेरे प्रभु राम आए, मेरे भगवान आए हैं। प्रभु दीजिए, प्रभु लक्ष्मण चक चक के भाई हूँ। प्रभु चक चक के भाई हूँ। फूल छोड़ कर भाई हूँ।
खाता वही तो ही आपको खट्टा सब फेंक दिया। खाइए खाइए सबो खाइए, अपनी भूख मिटाइए। आप ही खाइए। वाह सबरी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भगवान, मैं क्या कर सकती थी, बस आपके दर्शन हो गए। सबरी ठंडा हो गई प्रभु, सबरी ठंडा हो गई। खाइए ना प्रभु, और खाइए, आपको कभी भूख लगी होगी। अरे बात आप भी खाइए, बहुत मीठे मेरे। लक्ष्मण, आपको ये देख कैसे लगे? भैया भैया बहुत मीठे हैं। ये सब्जी मैं केवल भक्ति के नाते मानता हूँ। मैं कोई भी भेदभाव नहीं करता। तो प्रभु जानती हूँ, मेरे तो अहोत भाग्य है आपने मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया। ए सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। अच्छा, अगर आप सीता के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो। हम उसी को ढूंढते ढूंढते बनों बनों घूम रहे हैं। कुछ नहीं जानती, किंतु आप यहाँ से दूर ऋषि मुख पर्वत है, वहाँ जाइए। वहाँ पे पहाड़ों के राजा महाराज सुग्रीव है। वे अति ही गुणों में महा चतुर और बुद्धि वाले और तीर है। सुग्रीव भी अपने भारी भारी के अत्याचारों से बहुत सताए हुए हैं। आप उनकी पहर चाहिए और एक दूसरे की सहायता कीजिए। उनको आपकी जरूरत है और आपको प्रभु उनकी जरूरत पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि वे सीता जी के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। आपका मार्ग दर्शन कर सकते हैं। बहुत शीघ्र चाहिए कि आपके बहुत ही निकटता का समय है। बहुत अच्छा, तब भी हम किसी और जाते हैं। चलो लक्ष्मण, हाँ प्रभु, अब हम हाँ प्रभु और चलते हैं। हाँ प्रभु, चलो भ्राता जी। मुझे सब राम।
मुझे भी
आपका परिचय करवाइए। महाराज क्या दोनों सुकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। भाग्य मेरे आपके सपन हुए बहू, मुझे विश्वास है आपके सहायता से मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। महाराज किंतु अपने भी बारे में बताइए, इस तरह मन मन भटकने का क्या कारण है? सुग्रीव जी कभी कभी युद्ध भूमि में माता के कई तो पिताजी ने दो वर दिए थे। माता जी ने वह वर राज अभिषेक के समय मांग लिए। एक से मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे से प्यारे भाई भरत को अयोध्या का राज दे दिया। परंतु हम कुछ दिनों से पंचवटी में रह रहे थे, किंतु एक दिन सब उलट पुलट हो गया। हमारे अनुपस्थिति में कोई दुष्ट सीता को हर के ले गया। अब मैं और लक्ष्मण उसी को ढूंढते हुए वन वन घूम रहे हैं। अगर आप सीता के बारे में कुछ जानते हो तो कृपया हमें बताएं। भगवान कुछ दिन पहले आकाश मार्ग से एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई तिलक तिलक से रोती हुई जा रही थी। हमको देखकर इसने अपने जेवर हमारे ओर फेंके। यह लीजिए प्रभु, पहचान लीजिए। लक्ष्मण अवश्य यह मेरी प्राण प्यारी सीता के ही आभूषण है। लक्ष्मण एक बार तुम भी इन्हें देख के पहचान लो। पलट मैंने तो चरण निहारे हैं तेरे माता के ध्यान नहीं। मैं तो बिच्छुओं को जानता हूँ, कुंडलों की पहचान नहीं। दादाजी यदि यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य पहचान लूंगा। अच्छा तो आप इन्हें पहचानो। अवश्य भ्राता जी, ये माता के चरणों के ही जेवर है। महाराज आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया। एक मेरा भी भाई है जिसने छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर भाई को घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई कारण भी तो होगा। अवश्य भगवान, दानी और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन हुए
गया था। अपराध यह था कि एक नर हसीन राक्षस को मारते हम दोनों भाई गए थे। बाले और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुहा में चले गए। मैंने कहीं चुने तक भाई की आने की राह देखी, पर भाई नहीं आया। तो नगरवासियों ने मुझे राज्य के विभेद करके राज्य गद्दी पर बैठा दिया। उसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस आ गया और मुझे व्यक्ति पर बैठे देखकर मुझसे क्रोध आया और उसने मुझे पूरी तरह से मारा और मेरी स्त्री का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसी के भय से मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। यहाँ मातम ऋषि में शराब से नहीं आता है। सुग्रीव जी वही आप किसी भी प्रकार की सोच ना रखिए। नीचे बैठिए। भगवान मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि सीता माता का पता लगाऊंगा। हे सखा मैं कहता हूं कि बाली को मारकर सोना तुम्हें राज्य अवश्य दूंगा। भगवान जैसी आपकी इच्छा। आप जाइए और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। इसको 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 बोल पानी पानी आप पानी पिएगा। पानी का बंद कर दूंगा। पानी पीना है। जो आ गया भगवान। Yeah,